हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर न्यू ब्लॉग। तो आज के ब्लॉग में हम आपको अपने ब्लॉगिंग सेटअप का अनबॉक्सिंग दिखाने वाले हैं। तो पहले तो मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि जो हमारा व्लॉग आने में लेट इसलिए हुआ क्योंकि जो ये हमारा माइक है इसका ऊपर का कैप हो गया था, और अभी हमने न्यू माइक मंगाया है उसको भी आने में थोड़ा टाइम लगा, इसलिए व्लॉग थोड़ा लेट हो गया आने में। तो अब इसका अनबॉक्सिंग करते हैं, आपको दिखाते हैं अभी। तो हमने यहाँ पे अपने माइक के साथ ब्लॉगिंग के लिए एक दो एक्सेसरीज और मंगा दी है, तो अभी हम इन सबके अनबॉक्सिंग करते हैं और आपको दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए हम सबसे पहले शुरू करते हैं अपने माइक की अनबॉक्सिंग। तो ये आप बॉक्स देख रहे हैं जो इसे हमने पहले ही खोल दिया था, ज़्यादातर लोग पहले ही खोल देते हैं चेक करने के लिए। तो जो ये हमारा पार्सल आया था फ्लिपकार्ट से, जो माइक हमारा, तो ये है बोया का BY-M1 जो कि हमने ऑर्डर करा फ्लिपकार्ट से, और ये हमें पड़ा अप्रॉक्स 700 रुपये का। तो चलिए इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं, काफ़ी अच्छी पैकिंग करी है उन्होंने इसकी सेफ्टी के लिए। ये क्लिप हमने पहले लगा दी थी, इसमें वैसे ये लगानी पड़ती है जो आप देख रहे हैं कि 3.5 mm जैक है, ये ज़्यादातर आपके एंड्रॉइड फ़ोन में लग जाएगा, और एप्पल में लगाने के लिए आपको तो इसके साथ एक एक्सेसरी लेनी पड़ेगी, वो जो हमने भी मंगाई नहीं है, वो भी हम मार्केट जाएंगे उसे लेके आएंगे। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हैं हमें माइक के साथ ये कंडेंसर मिला हुआ है, तो इसका वर्क सिंपली बस यही है, हमें ये कंडेंसर कैमरे में भी यूज़ कर सकते हैं और स्मार्टफोन में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर हमने फ़ोन में यूज़ करना है तो हमें इसका स्विच सिंपली स्मार्टफोन में लेके चले जाना है, और अगर हमें कैमरे में इसे यूज़ करना है तो हमें कैमरे में लेके चले जाना है। बट हमें कैमरे और GoPro के लिए एक और एक्सेसरीज की होगी इसमें, जो कि ये है, इसका नाम है 4-volt पिन जो कि लगेगी 3.5 mm जैक में। आप दिखा दीजिए, आप ये लग जाएगी इसमें, ये 3.5 mm जैक इसमें लगेगा, फिर आप इसे अपने GoPro और कैमरा में लगा के यूज़ कर सकते हैं। तो ये बोया वाले ने बहुत अच्छा करा है, और आप देख सकते हैं माइक के लिए वायर भी बहुत बड़ी दे रखी है, इससे इसका लेंथ भी बहुत बड़ा हो जाएगा, इसका लेंथ काफ़ी लंबा है। तो फ्रेंड्स, जो आप ये बोया का माइक देख रहे हैं ये अभी तक हमने ये यूज़ नहीं करा है, क्योंकि जो इसमें 3.5 mm की पिन है ये तो आईफोन में लगती नहीं है, क्योंकि आपको पता है हम आईफोन जो शूट करते हैं अपना पूरा व्लॉग। सो फ्रेंड्स, जो हमने कनेक्टर फ्लिपकार्ट से ऑर्डर करा था, एक्चुअली हमें जो मैक्सिमम यूट्यूबर्स थे उन्होंने अलग अलग रिकमेंड करे थे अपने चैनल पे, बट हमने ऐसा कनेक्टर ऑर्डर करा था जो हमारा माइक पे भी लगे और गेमिंग के लिए भी यूज़ हो, बट हमारा जो माइक है वो उस कनेक्टर में यूज़ हो नहीं रहा है। तो अभी हम मार्केट जाके देखेंगे, और अगर हमें मिल गया माइक के लिए कनेक्टर तो हम वहीं से ले लेंगे। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं अपने कनेक्टर की अनबॉक्सिंग। ये है हमारा BCUS का ऑडियो कन्वर्टर जो आप देख सकते हैं, ये भी हमने फ्लिपकार्ट से ऑर्डर करा था। तो ये जो हमारा BCUS का ऑडियो कन्वर्टर है ये हमने बेसिकली मंगाया था हमारे गेमिंग चैनल के लिए प्लस हमारा ब्लॉगिंग चैनल के लिए, क्योंकि आप देख सकते हैं जो हमारा आईफोन है हमें उसके साथ में गेम खेलते खेलते चार्ज भी करना था, तो इसलिए आप देख सकते हैं इसमें ये चार्जिंग पॉइंट मिला है, और ये साथ में उसका मिला है हेडफोन के लिए, आईफोन हेडफोन के लिए मिला है, और ये साइड से एंड्रॉइड जो वो आते हैं एंड्रॉइड के लिए हेडफोन आते हैं उसके लिए जैक मिला है, ठीक है, ये तीनों जैक इसमें है अवेलेबल है। तो हमें दिक्कत क्या आ रही है, जो हमारा बोया का माइक है, ये बोया का माइक हमें लगा था हम ये इसमें लगा के यूज़ करेंगे, जो आप देख सकते हैं हम इसमें लगाया, हमें लगा हम इसमें लगा के यूज़ करेंगे अपना आईफोन में, पर ये इसमें ये सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो जो मैं ज़्यादातर यूट्यूबर्स ने रिकमेंड करा था हमने वो लिया नहीं, क्योंकि हमें लगा ये हमारे गेमिंग चैनल में भी काम आएगा और ब्लॉगिंग में भी काम आएगा, पर हमारे साथ पोपट हो चुका है, आप देखते हैं। सो फ्रेंड्स, जो आप एक कनेक्टर देख रहे हैं इसमें बेसिकली ये प्रॉब्लम हो रही है कि अगर हम इसमें गेम खेल रहे हैं और इसमें माइक लगा रहे हैं तो इसमें हमें जो गेम की साउंड आ रही है वो तो हमें सुनाई दे रही है, बट अगर हम कुछ बोल रहे हैं तो हमारी साउंड जा नहीं रही है। और जो आप इसमें जैक देख रहे हैं तो इसमें हमें एप्पल के ही हमें इसमें हेडफोन लगाने पड़ेंगे तभी हमारी इसमें साउंड जाएगी, तो ये तो हम अभी गेम के लिए रहने देते हैं, और हमें इसमें एप्पल की हेडफोन भी लेनी पड़ेगी, बट हमें माइक के लिए अभी एक कनेक्टर लेने जाना ही पड़ेगा मार्केट, तो फिर हम मार्केट जाएंगे अनबॉक्सिंग खत्म होने के बाद। तो फ्रेंड्स, अब हम करते हैं अपनी लास्ट एक्सेसरी की अनबॉक्सिंग, और गेस करिए क्या हो सकता है, एनी गेसेस? तो ये हमारा ग्लूजी का एनाकोंडा गोरिल्ला मिनी ट्राइपॉड, नाम तो बड़ा भयंकर है, और इसके साथ साथ ये फोन होल्डर मिला है जो कि आप यहाँ पे लगा सकते हैं, तो आप इसे पूरा 360 भी घुमा सकते हैं यहाँ से फ़ोन होल्डर को निकाल के, ये इसे नट को ढीला करके और इसे ऊपर करके, इसे आपने पकड़ा यहाँ नट टाइट कर दिया और फिर अपना फ़ोन होल्डर आपने यहाँ पे लगा दिया, और फिर आप अपना यहाँ पे अपना फ़ोन लगा के शूट कर सकते हैं अपना ब्लॉग वगैरह। तो
अगर हम आपको अगर अपना पुराना ट्राईपॉड दिखाए जो कि ट्राईपॉड नहीं था, वो सेल्फी स्टिक से हम ब्लॉगिंग करते थे। अभी तक के हमने जितने भी सारे ब्लॉग करे वो भी सारे इसी सेल्फी स्टिक से बनाए थे, और ये सेल्फी स्टिक टप ने तोड़ दिया है। जैसे ही लास्ट टाइम उसे पता चला कि हमने एसेसरीज हमने फ्लिपकार्ट से ऑर्डर कर दिए, उसने उसी दिन ये तोड़ दिया था, और उसके बाद हम ब्लॉग शूट ढंग से नहीं कर पाए। तो आप हमारा जज्बा देख रहे हैं, सेल्फी स्टिक से हम शूट करते रहे अपना ब्लॉग यहाँ पे फोन लगा के। फ्रेंड्स, जो हमारा बोए का माइक है, और अगर आपको खरीदना होगा तो हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा होगा, आप वहाँ पर जाके क्लिक करके उसे ऑर्डर कर सकते हैं। और ये क्लूज का भी ये ट्राईपॉड, ये तो काफ़ी अच्छा ही है, मुझे पसंद आया। और जो ये हमारा पीसी उसका ऑडियो कन्वर्टर है, ये भी गेमर्स के लिए ठीक है, जो भी गेम खेलते हैं अपने फ़ोन में, स्मार्टफोन में, और खास कर ये उसमें उनके लिए बहुत बढ़िया है जिनके पास आईफोन्स हैं, उनके लिए बहुत बढ़िया है। और ये 1800 का है, तो आप और इसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहीं से ऑर्डर करना है इन दोनों का भी। और फ्रेंड्स, माइक का जो भी होगा हम आपको बता देंगे, अपने मार्केट साइड जा रहे हैं, वहाँ अगर हमें कनेक्टर मिल गया तो हम इसका ओवरव्यू और जो भी रिव्यू देना होगा हम आपको वहीं पर उसी टाइम इसी ब्लॉग में दे देंगे, अगर हमें कनेक्टर मिल गया तो। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारी फाइनली अनबॉक्सिंग होती है ख़त्म, और अभी हमारे आगे को एक छोटा सा काम है, उसे ख़त्म करते हैं, हम सीधा मार्केट चलेंगे कनेक्टर लेने। तो चलिए चलते फटाफट से। सो फ्रेंड, हम जिस काम के लिए आगे तक गए थे वो काम हमारा हो चुका है, अब हम यहाँ से सीधा मार्केट जाएंगे। सो फ्रेंड, अभी हम आ रखे हैं यहाँ क्रॉस रोड मॉल पर, हमें एप्पल शोरूम में कुछ पता करना था, तो अभी हम चलते हैं शोरूम पर चलते हैं। सो फ्रेंड, हमारे मॉल का काम यहाँ पे हो गया है, बट हमने वहाँ पे कनेक्टर के लिए भी पूछा तो वहाँ पे कनेक्टर हमें मिला नहीं, अवेलेबल था नहीं वहाँ पे, तो हम यहाँ से सीधा मार्केट जाएंगे, अगर बस वही लास्ट जगह बचे जहाँ पे कनेक्टर मिल सकता है, तो चलिए हम सीधा यहाँ से मार्केट ही मिलते हैं अब। सो फ्रेंड्स, अभी जूस पीने के बाद हमने यहाँ पे लंच भी कर लिया है, और अब चलते हैं फटाफट से रूम में। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता चल गया है, हम एप्पल स्टोर भी गए थे और मार्केट भी गए थे, पर हमें कहीं भी स्प्लिटर नहीं मिला, तो अभी हमने स्प्लिटर फिर ऑनलाइन ऑर्डर करना पड़ा हमें, तो हमने ऑनलाइन ऑर्डर करा, और उस आने में 3-4 दिन और लगेंगे, तो दूसरे ब्लॉग को भी आने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे एप्पल एयरफोन भी हमने ऑनलाइन ही ऑर्डर कर दिए हैं, तो आपको अगर हमारे अनबॉक्सिंग वाला ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे जो भी लोग देख रहे हैं और जिसने भी सब्सक्राइब नहीं करा हमारा चैनल, उसे सब्सक्राइब कर दीजिए। सो फ्रेंड्स, हम अपने गेमिंग वाले चैनल में भी कुछ दिनों में लाइव स्ट्रीमिंग करने वाले हैं, जैसे ही हमारे सारे एसेसरीज आ जाएंगे, तो तब तक के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे रखा है, तब तक आपके लिए एक अच्छे से ब्लॉग के साथ मिलेंगे आपसे। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय बाय।